हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और जर्मनी के वीज़ा के बारे में, जो कि जर्मनी का वीज़ा सक्सेस रेट इतना अच्छा चल रहा है ना, मतलब जितनी फाइल लगा रहे हैं, मतलब अगर हम 10 फाइलें लगा रहे हैं, 10 में से 9 के वीज़ा आ ही रहे हैं ना। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जर्मनी की वीज़ा के बारे में, जो के क्लाइंट हैं मेरे कपूरथला से गुरप्रीत सिंह जी, उनका वीज़ा आया है। अगर उनकी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों से बात करूँ मैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ दुबई और थाईलैंड की थी, और वो भी आज से साल दो साल पहले की है ना। और उसके बाद उन्होंने अपने वहीं से है काफ़ी फेमस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे उन्होंने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करवाया था, तो उनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। फिर भी उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करा, तो मैंने उनको बोला ऐसे करके, मतलब थोड़ा बहुत उनकी प्रोफाइल में दिक्कत थी तो दूर करवा के, मतलब वही 10-15 दिन में वो सारी चीज़ें दूर करवा कर उनका मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर दिया, और जर्मनी का वीज़ा उनका सही 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आ गया। और अगर उनके ITR की बात करूँ, उनकी ITR थी अप्रॉक्स 5.5 से 6 लाख की, मतलब इस साल वाले ITR में पहले नहीं भरा हुआ था, इस साल वाली ITR वाइज करवा के टैक्स पे करवा दिया था उसमें, लास्ट ईयर वाली नॉन टैक्सेबल थी। और अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ, उसमें था अप्रॉक्स 5.5 लाख रुपये, और खुद का उनका बिजनेस है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया था उनको, और उनका एक GST नंबर था, MSME था, उनके पास GST नंबर था ना। तो उनका जर्मनी का वीज़ा लग गया सिर्फ 2 कंट्री के ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद, जैसे कि थाईलैंड और दुबई की, 2 कंट्री की थी ना, तो फिर भी उनका वीज़ा लग गया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो ट्राई करो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इन 3 कंट्री में ट्राई करो। और शेंगन वीज़ा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है ना, उसके जरिए आप मेक्सिको जा सकते हो, मतलब मैं ये घूमने के लिए, 2 नंबर के रास्ते के लिए नहीं, घूमने के लिए आप मेक्सिको जा सकते हो। बहुत सारी कंट्री आपको जर्मन की वीज़ा के साथ, बहुत सारी कंट्री आपको वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएंगी। अगर आप साउथ कोरिया भी जाना चाहते हो, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, वैलिड शेंगन वीज़ा है, तो आप साउथ कोरिया भी जा सकते हो शेंगन वीज़ा के साथ, है ना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए ट्राई करो, बढ़िया कंट्री का अप्लाई करो और बढ़िया बंदे से अप्लाई करो, जिसको नॉलेज हो कि कैसे क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन का, है ना। और बाकी मैं उन सर की वीडियो भी मतलब वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप उनके मुंह से भी सुन लेना सारी बातें। तो बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सत श्री अकाल जी सारिया नू, ये वीडियो मैं बना रहा अरुण भाजी का थैंक यू करने लिए, क्योंकि पिछले दिनी मैं जर्मनी का वीज़ा सेव किया, तो अरुण भाजी ने मेरी बहुत सहायता की हैगी। तो इस तू पहला मैं यूके का रिफ्यूज सीगा, तो उस तो बाद भी अरुण भाजी ने अपना वीज़ा लैक दिता है, तो बहुत घट रेट में यह वीज़ा मैंने मिले। जिदा कि मैं कपूरथले जिले के बिगवल एरिए बिलोंग करना, जिथे कि अज के रेट में 20 लाख रुपया सिर्फ यूरोप के रेट हैगा, तो 100% घट रेट के उत्ते मैं वीज़ा मिल गया, इनकलूडिंग अरुण भाजी की, अरुण भाजी की फीस तो वीज़ा फीस दोवें ला के। तो अरुण भाजी उत्ते एक बार विश्वास दवाओ, तो फाइल जरूर अप्लाई कराओ, क्योंकि तुम अज पता है कि जिमें एजेंट ने पिछली दिनों में भी लोगों के पैसे खा गए, पुत्र खा गए, पैलियाँ खा गए, तो अरुण भाजी का इतना कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वर्क है। तो अरुण भाजी ने मैं अज तक मिलया नहीं बाय फेस, तो जस्ट वट्सएप से कॉल उत्ते गल हुई है कि, तो सारा काम सारा ऑनलाइन हो गया, तो मेरा वीज़ा अज मेरे हाथ में है। तो मैं इस टाइम आउट ऑफ स्टेट हैगा, तो मेरे को मेरा पासपोर्ट नहीं हैगा, तो जदों मैं पंजाब जावांगा तो पासपोर्ट के नाल तुहाडी एक होर वीडियो बना के भेजांगा। थैंक यू जी।